भाई आज मेरे साथ मौजूद है बाबर भाई। बाबर भाई ऑस्ट्रिच भाग रहे थे जगह जगह, तो आपने ऑस्ट्रिच छोड़कर जो है वो आज श्रिम पकड़ लिया। ऑस्ट्रिच यार भाग तो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हम लोग ऑस्ट्रिच कर चुके हैं। हम ऑस्ट्रिच नहीं भाग रहे हैं, हम साल डेढ़ साल पहले कर चुके हैं। फरहान भाई कैसा महसूस हो रहा है यार, माशाल्लाह से आज आप जा रहे हैं। बहुत नाजुक सूरत है हाल में, ऐसे कैसे यार दामर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है खैरियत से। मैं हूं जूनियर आमिर लाह हुसैन, नाम मेरा मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई हैं लेकिन हम इनको आमिर भाई के नाम से याद रखते हैं। अगर जो लोग मधु थे जी वो फूड लवर्स हैं, क्योंकि मैं जिस बेंच जिस टेबल पे बैठा हुआ था वहाँ पर प्राउन की मुख्तलिफ अकसाम और अंडों के मछली के अंडों के बारे में गुफ्तगू हो रही थी जो आप दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मौजूद हैं हम हमेशा की तरह कैफे कबाइल पर, और यहाँ पर एक बड़ा सीन होने जा रहा है। कुछ 110 केजी का कुछ हमारे लिए तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है अभी थोड़ा सा रिवील करते हैं इसको, कि भाई किस तरह होगा कैसे होगा। और कुछ सुना है कि कोई सी फूड है उसकी कोई कढ़ाई बन रही है, कोई बीबीक्यू हो रहा है उसका। बाबर भाई ने एज एवर हमें इन्वाइट किया है, और कुछ यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, कुछ लोगों का उमरा और कुछ लोगों का बाइक का सीन है, तो वो सब आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं। एंड तक साथ रहिएगा, वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है आ जाइए। When a day's gone, we've only begun, that's the best part. तो हमारी फाउंडेशन की तरफ से आज हमारे मेहमान मतलब फरहान भाई हैं, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आप लोग यहाँ पर आए। हमारी फाउंडेशन की जानिब से एक बाइक भी जा रही है, उसकी अभी अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोहल्ले गेस्ट और सब लोगों का यहाँ पे आने का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एज यूजुअल हमारे बहुत ही दिल अजीज़ हमारे अपने सऊदी भाई साहब की तरफ से और हकीमुल सलीम फाउंडेशन की तरफ से, वो हमेशा हमेशा मेरी लोगों की हमेशा ढूंढते रहते हैं, और उनको हमेशा बड़ी खूबसूरत अंदाज से और बाहर दूर बैठ के बड़े लोगों की वो नीड्स को पूरा करते रहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी फाउंडेशन सऊदी भाई साहब की तरफ से और हकीम हुसैन फाउंडेशन की तरफ से एक सबसे पहले तो ये बाइक आमिर बाबा साहब को दी जा रही है, और उसके साथ इंश्योरेंस और फॉल वाली चीज़ें। आपको बहुत बहुत मुबारक बाइक आमिर। आमिर भाई बहुत मुबारक हो, बता दें आप जो है। अच्छा भाई कैफे कबाइल पे हमारे साथ आमिर भाई मौजूद हैं, रमजान का जिक्र हो और आमिर भाई का जिक्र ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है खैरियत से। मैं हूं जूनियर आमिर लाह हुसैन, नाम मेरा मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई हैं लेकिन हम इनको आमिर भाई के नाम से याद रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आमिर भाई कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आमिर भाई की रिजेम्बलेंस में कैसा लगता है? ये तो अल्लाह ताला की देन है ना भाई। एक अगर कोई बंदा फर्स्ट लुक में देखेगा ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग दूर से देखकर जो ना वो आ जाएगा आमिर भाई के पास ऑटोग्राफ लेने, और नो डाउट इज अ कंप्लीट मैन लाइक आमिर भाई, मतलब पक्का रेप्लिका कह दूंगा मैं। जैसा कि लाइक मोहब्बत आपकी, तो कुछ और कुछ नहीं कहेगा। जज़ाकअल्लाह भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। अस्सलाम भाई। फरहान भाई कैसा महसूस हो रहा है यार, माशाल्लाह से आज आप जा रहे हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है यार। सूरत नाजुक तो नहीं होनी चाहिए ऐसे केस में यार। नाजुक इस सेंस में है कि मैं मतलब समझ सकते हैं ना यार, वहां से सरकार का बुलावा आया है। कैफियत समझ रहा हूँ। हाँ सरकार का बुलावा आया है तो गुलाम के तो फिर तासुरात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, ऐसे मामलात हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोगों में बुलावा आता है, और ये बड़ा करम है अल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपको मेरा नाम लिख के आना है वहाँ पे, बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अगली बार मैं जा सकूँ इंशाल्लाह। शेफ उस्मान ने मुझे अभी एक फार्मूला बताया कि पर्चे पे सबके नाम लिख लीजिएगा। बिल्कुल, मैंने कहा अच्छा आइडिया दिया आपने, क्योंकि इंसान है कभी भी इसके बोल सकता है दिमाग। बेशक भाई, बेशक। तो इंशाल्लाह सबके नाम लिख के लेके जाऊंगा, नाम कॉल कर सके वहाँ पे। बेशक भाई, ये कैफे कबाइल का समा और ये फरहान भाई के उम्रे पे जाने की खुशखबरी, दोनों एक चीज एक साथ हो गई। बहुत जबरदस्त, जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। When a
days gone, we've only begun. That's the best part, when we get it on. I'm addicted, no denying it, cause you don't cross my mind, you're living it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheeks, get after ya. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Other than the log madhu the जी, वो फूड लवर्स हैं क्योंकि मैं जिस बेंच जिस टेबल पे बैठा हुआ था वहाँ पर प्राउन की मुख्तलिफ अकसाम और अंडों के मछली के अंडों के बारे में गुफ्तगू हो रही थी जो आम आदमी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, लवर ही कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और खास तौर पर जो सऊदी भाई ने और हमारे मुस्लिम भाई ने ये एक्टिविटी की जिन लोगों को हरमैन शरीफैन उम्र के लिए भेजा, ये बहुत जबरदस्त चीज थी। और हमारे आमिर भाई को जो है बाइक भी मिली है आज। हाँ, जिन लोगों को बाइक मिली है, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप राउंड से रिलेटेड जो कर रहे हैं, अब मेरी फरमाइश के ऊपर जी जी आप शाशिमी निगिरी या कोई जैपनीज फूड के ऊपर भी कुछ प्लेटर बनाए, टिकलम लगाए, प्लेटर बनाए और मैं वो भी उसमें फिर आपकी हमें एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। मैं मेरी एक्सपर्टीज और मैं दो चार पांच लोग जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं उनको आपके साथ एंगेज भी करूंगा। एंगेज भी करेंगे। तो भाई अभी हमारा जो है ये खाना आ चुका है, ये झींगा कढ़ाई और ये जो है झींगा की सीख है और इस सीख को अभी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, ये चेक करें। अच्छा भाई ये सीख आ चुकी है और ये सीख खाकर मैं आपसे जायका इसका शेयर करता हूँ। ओए होए होए, ये चेक करें, देख रहे हैं आप, ये है बीबीक्यू झींगा। बीबीक्यू झींगा मैंने कभी खाया नहीं था, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बड़ा जबरदस्त है यार, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। ये कैफे कबाइल पे आप जरा ट्राई करें, इनसे कस्टम बनवाएं और इनके पास वैसे भी मिलता होगा, आप ट्राई करें और बताएं मुझे। अब मैं कढ़ाई जरा ट्राई करता हूँ, आपसे जायका शेयर करता हूँ। भाई ये आ गई रोटी और इस रोटी का मैं ले लेता हूँ एक निवाला और इसको मैं ट्राई करता हूँ इस कढ़ाई के साथ। ये है झींगा कढ़ाई, ये मैं निवाले को फुल भर लेता हूँ और ये झींगे चेक करें आप। ओहो हो, बेहतरीन, जबरदस्त, मस्ट ट्राई भाई, मस्ट ट्राई। आप आए कैफे कबाइल पे ट्राई करें और इंशाल्लाह ज्यादा जरूर शेयर करें। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मेरे साथ मौजूद है बाबर भाई। बाबर भाई, ऑस्ट्रिच भाग रहे थे जगह जगह, तो आपने ऑस्ट्रिच छोड़कर जो है वो आज श्रिम्प पकड़ लिए। ऑस्ट्रिच यार भाग तो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हम लोग ऑस्ट्रिच कर चुके हैं। हम ऑस्ट्रिच नहीं भाग रहे हैं, हम साल डेढ़ साल पहले कर चुके हैं, ऑस्ट्रिच खा चुके हैं और अब जो है हमने कुछ यूनिक करने के लिए हमने कुछ श्रिम्प प्लेटर लाते हैं। आप जो देखिए 100 किलो श्रिम्प हमने कढ़ाई में डाल दिया। नॉर्मली वो पानी में होता है, आपने उसको कढ़ाई में डाल दिया। हमने कढ़ाई में डाल दिया, बड़ी कढ़ाई इसके लिए अरेंज करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल हुई हम लोगों को। श्रिम्प प्लेटर जो है वो एक साथ बनाना भी एक चैलेंज था, नो डाउट, क्योंकि ये देग में भी नहीं बना सकते। इसके लिए कढ़ाई हमने बड़ी अरेंज करी, बहुत बड़ी कढ़ाई जिसके अंदर 60-70 किलो की कम अज कम जो है ना एक साथ डाला जा चुके, लेकिन हमने इसके अंदर तकरीबन 100 किलो के करीब जो है वो पकाया, बाकी 20 किलो हमने बारबेक्यू बनाया। बारबेक्यू, नो डाउट, बहुत टेस्टी था, बड़ा जबरदस्त था। आप मैं शौक से नहीं खाता लेकिन आज मैंने खाया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था, जबरदस्त, मजा आ गया। अब आप बताएं नया क्या एडवेंचर कर रहे हैं आप? मैं हर दफा लोग मुझे बोलते हैं अब कुछ नहीं बचा, अब इंसान पकेंगे, लेकिन क्रिएटिव बंदे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है भाई। इंसान पका रहे हैं भाई नहीं, वो लोग कहते हैं इंसान पकेंगे, लेकिन इंसान नहीं पकेंगे, अभी बहुत सारी चीजें वो आएंगी इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।